तो उस टाइम मैं जहां पे जिस हॉस्टल में रहता था तो वहां पे ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां पे मैं कहीं पे ट्राइपॉड लगा देता था, कहीं पे भी रख लेता था, उल्टा सीधा एंगल करके बस वीडियो को शूट कर देता था। किसी भी तरह मेरे दोस्त खेलने के लिए जाते थे फुटबॉल और मैं अपनी वीडियो को शूट करके पानी पीने का पैसा तक नहीं होता था। सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, जो हमारे ऊपर सीनियर होते थे उनसे मांगने पड़ते थे। और मेरी पहली इनकम आई भाई 600 रुपये में, मैंने एक एप्लीकेशन को प्रमोट किया था और उन 600 रुपये की मैंने अपने दोस्तों को दावत दी थी। एक केक काटा था 15,000 सब्सक्राइबर पर। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, मैंने अपनी वीडियो को शूट करने के लिए ट्राइपॉड को एक लकड़ी की सीडी पर लगाया हुआ है ताकि मैं अपना यूट्यूब पर वीडियो शूट कर पाऊं। और मैं एक हॉस्टल में रहता था, ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहां पे मैं अपनी वीडियो को शूट कर रहा हूं ताकि मेरे दोस्त मेरे को परेशान न करें। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर काफी टाइम से काम कर रहे हो बट आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा, सीरियसली बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर भी आग लगने वाली है। आप YouTube को नहीं छोड़ पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, बिकॉज आज मेरे हमारे चैनल पर, मैं मेरा नहीं बोलूंगा, बिकॉज आप सबकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आज मैं आपको अपना थोड़ा सा स्टोरी शेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों के अंदर भी मोटिवेशन की आग लग जाए। बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली से भाई, एक गरीब घर का लड़का, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे घर वालों ने कोई 20-30,000 रुपए का फोन नहीं ला कर दिया था कि ले भाई YouTube पर वीडियो बना ले। मैं आपको एक हकीकत वहां बताता हूं जहां से मैं गुजर के आया हूं, कैसे मैंने चैनल की शुरुआत की थी। 2014 की बात है, मैं एक साइबर कैफे पे काम करता था, वहां पे आधार कार्ड बनाता था, एंड 2015 में भी बनाता रहा, 16 में भी बनाता रहा, तो वहां से मेरे को थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे, 5,000-7,000 इस तरीके से मेरे को पर मंथ पैसा मिल जाता था। इतना पैसा में भाई किसका ही गुजारा होता है, आप खुद ही सोचो। और उस टाइम पेटीएम का बहुत ज्यादा क्रेज था, पेटीएम खुद को इतना प्रमोट कर रहा था हद से ज्यादा। अगर कोई पेटीएम पर साइन अप करता था, अपनी आईडी बनाता था, तो पेटीएम उसको 20 रुपये बिल्कुल फ्री में देता था। तो मैंने क्या किया, मेरे जितने भी सारे दोस्त थे, जितने भी कस्टमर आते थे, जितने भी आसपास के सब पड़ोसी खड़ोसी भाई जो भी थे, सबके मोबाइल नंबर पेटीएम पे रजिस्टर कर दिए। तो इस तरीके से मैंने कर करके, मतलब समझ रहे हो गाइस, एक नंबर के 20 रुपये मिलते थे रजिस्टर करने के। पहले आईडी बनाओ, उसके बाद ओटीपी जाता था, नेम वगैरह एंटर करो, 20 रुपये हमें मिल जाते थे। तो जो ठेला लगा के रखते हैं ना, जो फल बेचते हैं, तो हम उनकी दुकानों पे जाते थे ऐसे नॉर्मली, और भैया क्या हाल है, और थोड़ी सी बातचीत बनाकर उनका नंबर पेटीएम पर रजिस्टर कर देते थे और हमें 20 रुपये मिल जाते थे। तो इस तरीके से लोगों से नंबर मांग मांग कर 20-20 रुपये इकट्ठा कर मैंने कर लिए 4,000 रुपये कंप्लीट, मतलब 4,000 रुपये पेटीएम में कर लिए। तो 4,000 रुपये पेटीएम में करने के बाद तुम्हारे भाई ने विड्रॉ कर लिए अपने बैंक अकाउंट में, और उस टाइम तो मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं था, मतलब अपने घर वालों के बैंक अकाउंट में मैंने उनको डाल लिए। तो उसके बाद मेरे माइंड में आया कि यार अब तो 4,000 रुपये हो गए, अब थोड़े से पैसे घर वालों से मांग लेता हूं और एक अच्छा सा मोबाइल ले लेता हूं ताकि मैं वीडियोस बना पाऊं यूट्यूब पर। लेकिन घर वाले भाई कहां पैसा देते हैं, 5,000-6,000 रुपये मैं कमा रहा था और इस तरीके से करके मैंने 4,000 रुपये कमा लिए। तो उसके बाद मैंने कैसे भी करके घर वालों से लगभग 3,000-4,000 रुपये ले लिए और मैंने एक 8,000-9,000 रुपये का एक फोन लिया था, या 7,000 रुपये का था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, Vivo Y55S। तो उस मोबाइल का जो कैमरा था वो भाई उस टाइम बहुत ही अच्छा कैमरा था। मेरे पास बाइक लेने के तो पैसे नहीं थे, बिकॉज थोड़े से पैसे मैंने घर वालों से लिए थे और मैंने घर वालों को ये भी बोला था कि मैं पैसे आपके वापस कर दूंगा। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे ऐसे ही पैसे इकट्ठे करके 750 रुपये का एक माइक भी ले लिया। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पर वीडियोज बनाने शुरू किए। मुझे मोबाइल की सेटिंग्स के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, मुझे एक चीज पता चल गई थी कि हम YouTube पर वीडियोस बनाकर पैसा कमा सकते हैं। जब मुझे ये पता चला तो भाई मेरे अंदर का तो कीड़ा जाग गया। तो उस टाइम मैंने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, तो वीडियोस पर व्यूज लिटरली नहीं आते थे और 10,000 व्यूज कंप्लीट होने पर उस टाइम चैनल मोनिटाइज हो जाता था। तो 3 महीने के अंदर मैंने इतने वीडियोस अपलोड किए 100+, तो भाई मेरे चैनल पर हो गए 10,000 व्यूज कंप्लीट। तो उस टाइम मेरे चैनल पर 100 से ज्यादा वीडियोस अपलोड करने पर 10,000 से ज्यादा व्यूज हो गए, तो भाई मेरा चैनल हो गया मोनिटाइज। तो जब मेरा चैनल हो गया मोनिटाइज, पैसा आना शुरू हो गया भाई, सीरियसली वीडियोस अपलोड करने का 3 महीने के अंदर अंदर। लेकिन उसके बाद YouTube ने एक ऐसा अपडेट किया, 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करो और 1,000 सब्सक्राइबर। भाई उस टाइम मेरा तो दिमाग हिल गया, मैंने YouTube को छोड़ दिया सीरियसली।
कि यार 4000 घंटे का वॉच टाइम हम कैसे करेंगे, उस टाइम तो 10000 व्यूज पे मोनेटाइज हो रहा था, फिर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं एक MLM कंपनी में जाकर जुड़ गया, जहाँ पे मैंने 45000 रुपये घर वालों से पता नहीं भाई रो रो कर कैसे मांग कर वहाँ पे लगा दिए। तो उसके बाद वो 4500 रुपये मेरे एंड हो गए, बिकॉज MLM कंपनी में भाई यही होता है, बंदों को जोड़ना होता है। 45000 रुपये के मेरे को कपड़े मिले कि इनको पहनो और तुम एक बंदे को जोड़ोगे आपको 7500 रुपये मिलेंगे। बेसिकली उस कंपनी में बेवकूफ बनाया जाता था, पहले फ्री के नाम पर बुला लिया जाता था, उसके बाद पैसे मांगे जाते थे। तो MLM कंपनी ने मेरा माइंडसेट ऐसा कर दिया कि मैंने अपने घर वालों से 45000 रुपये ले लिया भाई सीरियसली, कि अब मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, लखपति बनने वाला हूँ, मेरा माइंडसेट ऐसा कर दिया था। तो वहां पे 3 दिन की क्लास में, 3 दिन में भाई इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए, लाखों कमाओगे, BMW में घूमोगे, मर्सिडीज में घूमोगे, इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए। तो भाई मैंने 45000 रुपये वहाँ पे दे दिए और 1 रुपया मैंने वहाँ से नहीं कमाया था। फिर किसी तरह मेरे दिमाग ने काम किया, कंपनी को मेल किया कि घर वाले परेशान हैं भाई, प्लीज़ पैसा वापस दे दो। तो वहाँ से मेरे को मिले 37000 रुपये वापस, मेरा तो दिल खुश हो गया, वो भी 3 महीने काम करके, 1 सिंगल रुपया नहीं कमाया था, पानी पीने का पैसा तक नहीं होता था। सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, जो हमारे ऊपर सीनियर होते थे उनसे मांगने पड़ते थे कि पानी पीना है, 2 रुपये का एक पैकेट आता था। तो ये हाल मैंने खुद देखा है। तो उसके बाद ये हुआ, मैंने वहां से छोड़ दिया। फिर भाई मेरे पापा ने बोला कि अब कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर, तो मैं झारखंड गया एक कॉलेज में। तो उसके बाद वहां से मैंने एक डिप्लोमा किया और पार्ट टाइम में यूट्यूब को लेकर चला, दिन के 2 वीडियोस बनाए, वहां से चैनल ग्रो हुआ। अब इसके पीछे एक और रीजन है, चैनल ग्रो होने का रीजन ये है, छुप छुप कर वीडियोस बनाए, लोगों को नहीं बताया, किसी के पास शेयर नहीं किया, ऐसे टॉपिक्स पकड़े जो ट्रेंडिंग में होते थे, लाइक टिकटॉक पे वीडियो वायरल कैसे करें, टिकटॉक पे कोई ट्रेंड आ गया उसका वीडियो कैसे बनाए। पहले टेक्निकल जुनेद था हमारे चैनल का नाम, मेरे दोस्तों ने बोला कि अब जुन्नू की टैग कर दे, तो मैंने जुन्नू की टैग कर दिया। तो उसके बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, पबजी की वजह से किसी ने अपना हाथ वाथ काट लिया था, पता नहीं क्या सीन हुआ था, तो मेरा वीडियो वायरल हो गया, 1 मिलियन व्यूज भाई 2 दिन के अंदर और 9000 सब्सक्राइबर, 1700 सब्सक्राइबर थे, 9000 सब्सक्राइबर हो गए। मेरे सारे के सारे दोस्त हैं भाई, सीरियसली भाई जलने लगे, मेरे से बातचीत कुछ नहीं करनी, मुझे परेशान करने लगे, वीडियोस ही नहीं बनाने देते थे। तो उस टाइम मैं जहाँ पे जिस हॉस्टल में रहता था, तो वहां पे ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां पे मैं कहीं पे ट्राइपॉड लगा देता था, कहीं पे भी रख लेता था, उल्टा सीधा एंगल करके बस वीडियो को शूट कर देता था किसी भी तरह। मेरे दोस्त खेलने के लिए जाते थे फुटबॉल, और मैं अपनी वीडियो को शूट करके, और वो जब आ जाते थे फिर अपना ब्लैंकेट में लगा के ईयरफोन, वीडियो को एडिट करके लो भाई अपलोड। इस तरीके से मैंने वीडियोस बनाए हैं सीरियसली। अब आप लोगों के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए, आप क्या करोगे, वीडियो नहीं बनाओगे कि यार यहाँ पे तो यार ये हो रहा है, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो इस तरीके के दिन मैंने देखे हैं, दिन में 1 या 2 वीडियो मैंने रेगुलर अपलोड किया है 6 महीनों तक, तब जाकर चैनल ग्रो हुआ। एकदम से ग्रोथ अगर मिल गई आपकी वीडियो, एकदम से 10 मिलियन 20 मिलियन आ गए, तो वो यार ग्रोथ नहीं कहलाती, वो एक टाइम पर बंदे का चैनल डेड हो जाता है। धीरे धीरे अगर आप अपने चैनल को ग्रो करते हो, आपके पास ऑडियंस रहती है, ऑडियंस जुड़ती है। तो आप देखो यार मैंने किस किस तरीके से वीडियोस बनाए, देख रहे हो मतलब कहाँ कहाँ मैंने वीडियोस बनाए, तब जाकर भाई थोड़े बहुत चैनल पर व्यूज आए और मेरी पहली इनकम आई भाई 18 से 19000 रुपये, 19000 समथिंग। तो उसके बाद जब मैंने भाई अपने फैमिली वालों को बताया कि मेरा यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आ चुका, भाई उनका रिएक्शन ये था कि यार YouTube पर वीडियोस बना के कैसे पैसे कमा लिए, लोग इतनी मेहनत करते हैं, प्लांट व्लांट में काम करते हैं तब उनको पैसा मिलता है, मैंने वीडियो बनाकर कैसे पैसा कमा लिया, उनका तो ये रिएक्शन था। और उस टाइम मुझे एक स्पॉन्सरशिप मिला था, 600 रुपये में मैंने एक एप्लीकेशन को प्रमोट किया था और उन 600 रुपये की मैंने अपने दोस्तों को दावत दी थी, एक केक काटा था 15000 सब्सक्राइबर पर और अपने दोस्तों को दावत दी थी मैंने, समझ रहे हो, 600 रुपये का जब मेरे को पहला स्पॉन्सरशिप मिला था। तो मेरे जो सर थे उनको भी मैंने दावत दी थी, वहाँ पे इनवाइट किया था, आप देख ही रहे हो वीडियो में, तो भाई बहुत ही मजा आया था सीरियसली बता रहा हूँ। और मेरे को सेकेंड स्पॉन्सरशिप मिला था 1500 रुपये का, मेरे को कंपनी से बात तक करनी नहीं आती थी, मेरा एक दोस्त था यूट्यूबर, उसके 10-15000 सब्सक्राइबर थे, वो मेरे लिए बात करता था, मैम 1500 रुपये दे दीजिए एक वीडियो बनाने के, हम आपको अच्छा वीडियो बना कर देंगे। सेकंड स्पॉन्सरशिप 1500 रुपये का मिला और मैं उस टाइम हैरान था कि यार एक वीडियो बनाने के मुझे 1500 रुपये मिल रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज होता रहा, 5000, 10000, 20000, इस तरीके से बात
आगे बढ़ती चली गई। तो अगर आपको भी YouTube पर ग्रो करना है, आपको किसी भी हाल में रेगुलर रहना पड़ेगा भाई। बहाने देने से काम नहीं चलेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, दोस्तों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अभी मैंने आपको अपनी छोटी सी स्टोरी बताई है, अगर पूरी बात बताने लग गया ना, सीरियसली आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप बोलोगे कि जुन्नू भाई आपने इस तरीके से मेहनत की है, कमेंट करोगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय।